भारत बंद के दौरान बदायूं में एक दुकान में की गई तोड़फोड़। दुकान में घुसकर सिपाही को पीटा, सिपाही ने भागकर बचाई जान। दुकान स्वामी के बेटे समेत तीन घायल, पीएसी तैनात, मची अफरा तफरी। यूपी के बदायूं में आरक्षण विरोधी रैली के दौरान बवाल हो गया, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एक मिठाई की दुकान में घुसकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से जमकर वार किए गए, एक सिपाही के साथ मारपीट हुई, सिपाही ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बवाल में दुकान स्वामी के दो बेटे व नौकर के घायल होने की खबर है। कोतवाली सदर के शिवपुरम इलाके में आरक्षण विरोधी रैली के दौरान मिठाई की दुकान को निशाना बनाते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया, कांच की बोतलों से वार करते हुए दुकान स्वामी के दो बेटों व नौकर को जमकर पीटा। यही नहीं, दुकान में घुसकर एक सिपाही की भी जमकर पिटाई की गई। सिपाही ने बवाल होता देख दुकान में ली थी शरण। इस दुस्साहसिक घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, प्रशासन भी अलर्ट हो गया। बहरहाल शहर में पीएसी तैनात कर दी गई है और मामला पूरी तरह काबू में है। बदायूं से यमारिफ खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम बाबू। अच्छा, ये क्या हुआ है जो आपकी दुकान में नुकसान हुआ है? कुछ पुलिस वाले भैया से मैटर था, मार रहे थे। तो कौन लोग थे ये रैली में? पता नहीं उनसे पुलिस वाले क्या बात हुई, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो ये समझ नहीं पाए जब तक, तो वो अंदर घुस गए पुलिस वाले भैया। तो कितने लोगों की चोट आई है? कई सात आठ लोगों की चोट आई है। आपके कितने बच्चे हैं? तीन लोग हमारे हैं, दो बेटे और एक हमारे बेटे जैसा भाई है। अच्छा, तो नुकसान कितना हुआ है आपका? नुकसान तो बहुत हो गया, अंदर सब तोड़ फोड़ कर दिए, सीधा सीधा तोड़ दिया अंदर। ये रैली वाले थे ना? हाँ, रैली के लोग थे। अच्छा, रैली के। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।